तो अभी गाड़ी को ऊपर उठाया जा रहा है, उठाने के बाद चेचिस में केमिकल मार के अच्छे सफाई किया जाएगा खाना खाने के लिए। तो अभी सब कोई अपना अपना खाना निकाल रहा है यहाँ पे। तो पोषण भैया बड़े खाना खा रहा है भाई, बारिश भी चालू हो चुका है, खाना बहुत बढ़िया है, एकदम सादा खाना है। स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों होटल से आ चुके अपने गाड़ी के पास, सुबह का टाइम है और अभी गैरेज अपना खुला नहीं है, लेकिन ये वाला गेट खुला हुआ था, इस गेट से हम अंदर आ चुके हैं। तो ये रहा अपना काशी एक्सप्रेस। तो आज जाने वाले अपने गाड़ी को लेकर वॉशिंग करवाने के लिए, आज अपने गाड़ी का पूरा फुल वॉशिंग करवाने वाले हैं, उसके बाद आज अपने गाड़ी का पेंटिंग का काम भी पूरा चालू हो जाएगा। आइए पीछे दिखाते हैं पीछे हम क्या करवाने वाले हैं। तो ये जो कलर है, इस कलर को पूरा फिर से हम हटवा के नया करवाने वाले हैं, क्योंकि पूरा ये पूरा खराब हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ये जंग पड़ चुका है, ये सब पूरा निकलेगा फिर से ये अच्छा बनेगा, पूरा इस कलर को चेंज करवाने वाले हैं। और बाकी ये वाला एंगल भी लग के अपना रेडी है, इसमें भी कुछ अलग रेडियम का काम करवाने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा देर वेट करते हैं, भाई लोग आने वाले हैं कुछ देर में। तो फाइनली फैज भाई यहाँ पे आ चुके हैं और ये हमारे सब मिस्त्री जितना भी है सबको आ चुके हैं। तो अभी पहले क्या करना है, गाड़ी वॉशिंग, पहले गाड़ी वॉश करा ले रहे, उसका बाद फिर काम स्टार्ट कर देंगे। पहले गाड़ी वॉशिंग करवाएंगे, उसके बाद आज चेचिस का पेंट पहले करना है, उसके बाद तो बॉडी के बाद में पेंट होगा, बॉडी का पेंट होगा, उसके बाद कल आपको 10 बजे तक छोड़ देंगे, कल 10 बजे तक छोड़ देंगे। चलिए तो अभी निकलते हैं, पहले गाड़ी वॉशिंग करवाते हैं। दोस्तों गाड़ी लेके हम लोग निकल चुके हैं जहाँ पे गाड़ी को धुलवाना है, और ये अपना नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता रोड। पोषण और विश्वनाथ पीछे गाड़ी के ऊपर चढ़ चुका है और इधर बैठे हमारे फैज भाई, देख सकते हैं विश्वनाथ चढ़ा हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग जहां पे गाड़ी का धुलाई करवाना है। पहुंचते ही देखा एक गाड़ी पहले धुलाई हो रहा है, ये जैसे निकलेगा उसके बाद फिर अपना नंबर आ जाएगा, लगाएंगे धुलवाएंगे। तो अपना नंबर आ चुका है, एक घंटा इंतजार करने के बाद वो वाला गाड़ी का धुलाई हो रहा था, उसका धुलाई कंप्लीट और अपना धुलाई होगा। जाओ 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 जाओ, ठीक है, जाओ 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 जाओ। तो फाइनली गाड़ी को लगा दिया, अभी फाइनली गाड़ी का धुलाई भी यहाँ पे देख सकते हैं चालू हो चुका है। चेचिस को अच्छे से धुलवाना है क्योंकि चेचिस में पेंट होने वाला है। अंकल जी चेचिस को एकदम बढ़िया केमिकल मारेंगे, केमिकल मार के ना, तो यहाँ पे चेचिस में केमिकल मार के धोया जाता है ताकि अच्छे से साफ हो जाए, और उसके ऊपर जब पेंट हो तो पेंट अच्छे से मतलब चिपके, ठीक है। तो एकदम मस्त वाला चल रहा है गाड़ी का सफाई, देख सकते हैं पूरा साबुन शैम्पू लगा के केमिकल लगा के पूरा अंकल जी लोग सफाई कर रहे हैं, इधर भी अंकल जी और एक गाड़ी साफ कर रहे हैं, तीन लोग मिल के, देख सकते हैं यहाँ पे एक लोग दो लोग और इधर भी अंकल जी हैं, तीन लोग मिल के सफाई कर रहे हैं, जबरदस्त सफाई चल रहा है गाड़ी का। तो अभी गाड़ी को ऊपर उठाया जा रहा है, उठाने के बाद चेचिस में केमिकल मार के अच्छे सफाई किया जाएगा, क्योंकि चेचिस में ही मेन हमको पेंट करवाना है। दोस्तों चेचिस का देखिए पेंट क्या है कि अगर चेचिस में जंग पड़ने लगेगा ना तो गाड़ी में प्रॉब्लम होने लगता है, चेचिस धीरे धीरे कमज़ोर होना चालू हो जाता है, इसीलिए चेचिस का जो पेंटिंग है वो अच्छे लेवल से करवाने वाले आज हम। अंकल जी क्या मार रहे हैं गाड़ी में? अभी केमिकल मार रहे हैं। केमिकल मारिए मारिए, दिखाइए कैसे मारते हैं। तो अभी चेचिस को साफ करने के लिए केमिकल मारा जा रहा है क्योंकि चेचिस में पेंट करवाना है, और हमारा हालत देखो वैसे। इससे पूरा क्लीन हो जाएगा ना गंदगी? हाँ एकदम पूरा मैला खाली कट जाएगा, जितना भी मैला है सब कट जाएगा ना। हाँ फाइनली गाड़ी का धुलाई पूरा कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी को धीरे धीरे करके नीचे उतारा जा रहा है यहाँ पे। फाइनली पूरा धुलाई अपना कंप्लीट हो चुका है गाड़ी का, अब यहाँ से गाड़ी को बैक करते हैं, बैक करने के बाद फिर से जाते हैं गैरेज पर पेंटिंग का काम स्टार्ट करवाते हैं। गाड़ी को बैक कर रहे हैं, बैक करने के बाद बाहर निकालना है। जाओ 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 जाओ। तो हम लोग निकल पड़े हैं गैरेज के लिए, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से गैरेज। दोस्तों शाम का 3 बज चुका है, हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो अभी सब कोई अपना अपना खाना निकाल रहा है यहाँ पे, विश्वनाथ बैठ के वहाँ पे खा रहा है, ठीक है, और हम लोग बैठ के यहाँ पे खाएंगे। तो चलिए पहले खाना को निकाल लेते हैं। तो जहाँ पे खाना खा रहे हैं थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि बाहर पूरा बारिश होने वाला है, और हम लोग एक झोपड़ी के अंदर बैठे खाना खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाना बहुत अच्छा है, एकदम घर कैसा बना है। जब भी हम लोग बंगाल में खाना खाते हैं, जैसे रानाघाट साइड और कृष्णा नगर साइड जाएंगे ना, वहाँ पे जो छोटा छोटा ढाबा होता है वहाँ पे एकदम ज़बरदस्त खाना बनता है, तो यहाँ का भी खाना ठीक है। तो पोषण भैया बड़े खाना खा रहा है भाई, बारिश भी चालू हो चुका है, खाना बहुत बढ़िया है, एकदम सादा खाना है, थोड़ा नमक का कमी है लेकिन ठीक है, नमक कम हो तो आदमी खा सकता है, ज़्यादा हो जाए तो नहीं खा पाता।
तो खाना खा लिया और हल्का हल्का बारिश धीरे धीरे बढ़ना भी चालू हो चुका है। तो आज हमारा पेंट का पूरा काम होने वाला था, देखते हैं यहाँ पे कहीं वेल्डिंग भी चल रहा है। अभी दिखाते हैं क्या काम चल रहा है इधर, हमको पता भी नहीं क्या काम चल रहा है। क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है इधर? साइकिल गार्ड अभी लगा। अच्छा साइकिल गार्ड, तो यहाँ पे कोई साइकिल गार्ड है वो लगने वाला है। लगने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, जैसे साइड में ट्रक का बम्पर होता है वैसे ही टाइप का लगेगा देख के देखने में। अभी पीछे का दोनों हैंडल को भी चेंज किया जा रहा है, ये गैरेज में फालतू पड़ा हुआ था, हमारे लगा दीजिए। तो हमारा पुराना वाला थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था, अब इसको दोनों नया लगवा लिए, ठीक है। गेट बंद करने वाला ये देखो, थोड़ा ढीला हो गया था, आवाज़ भी कर रहा था, तो दोनों नया चेंज हो गया। और साइड का जो सेफ्टी रॉड था वो भी अपना बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसमें अभी रेडियम का काम कराएंगे, बहुत ही तगड़ा लगेगा सीन, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लगेगा देखने में, ठीक है। अभी थोड़ा गर्म भी है, काफ़ी मजबूत बना है। दोनों लॉक तो अपना चेंज हो चुका है, भाई थोड़ा खोल के दिखाओ, कंफर्टेबली खुल रहा है कि नहीं? एकदम एक नंबर हो गया। अब क्या है कि आवाज़ नहीं करेगा, पहले थोड़ा सा ढीला हो गया था ना तो गाड़ी चलता था आवाज़ करता था, अब ये पूरा जाम रहेगा तो आवाज़ नहीं करेगा। मतलब नया बॉडी कैसा हो गया, जैसे कंपनी से नया गाड़ी आता है एकदम वैसा ही हो गया। और फाइनली अपने गाड़ी का जो पेंट है वो भी आ चुका है। तो आज पेंट मारना है कि कब मारेंगे भैया? कल इंशाल्लाह काम खत्म हो जाएगा। तो कल कितने बजे खत्म करेंगे वाले? शाम हो जाएगा। चेचिस मार दीजिए रात भर में, सूख जाएगा, पता चला सुबह आपका तो दो घंटा में सूख जाएगा। सूख जाएगा तो कल कितने बजे सुबह आएंगे आप? कल हम 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। 8 बजे तक? सही में 8 बजे मत आइए आप, 9 बजे आइए। 8 बजे आ जाएंगे। अरे तो हम रहेंगे तो वीडियो शूट करना है ना हमको, आप आइएगा हम तब तक घसा घसी करके रेडी। अच्छा घसा घसी करके रेडी करिएगा, ठीक है। नहीं तो पता चला यहाँ पेंट हो गया, हम होटल में से हमको पता ही नहीं चला, आप लोग हम दिखाई नहीं पाए, ठीक है। पूरा सामान अपना फाइनली आ चुका है। अभी ये वाला भी लॉक जो है ये टूट गया, देख सकते हैं। अभी कब्जा को चेंज किया जाएगा, ये वाला सही है, एक ये टूट गया है, बाकी ये दोनों सही है। तो अभी ये वाला कब्जा को काटा जा रहा है यहाँ पे। देखने में लग रहा था गाड़ी में कुछ भी काम नहीं है, लेकिन थोड़ा 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 करके बहुत सारा काम धीरे धीरे हो रहा है अपना। कब्जा कट के निकल चुका है क्या? वीडियो लीजिए, कब्जा कट के निकल चुका है, दूसरा इसमें नया कब्जा लगा दिया जाएगा। तो ये कंपनी वाला कब्जा देख सकते हैं, यही कंपनी वाला कब्जा अपने गाड़ी में लगेगा। तो आप जो आपके यहाँ से तैयार होता है गाड़ी, नया गाड़ी, तो उसका आप निकाल देते हैं ये वाला? निकाल के दूसरा कब्जा दे देते हैं बना के, मतलब इससे मजबूत रहता है वो क्या? ये नहीं चलता है? अच्छा इसीलिए। पीछे का कब्जा लग के रेडी हो चुका है, और फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था, मेरा साइड का बक्सा, खाना बनाने का पूरा सामान रखना है, वो आज रेडी हो चुका है अपना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली बक्सा को लगा दिया गया है, ये देखिए। तो अभी रात का 9 बज चुका है, अभी हम लोग यहाँ से होटल के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी का काम आज बहुत सारा हुआ है, मतलब सिर्फ पेंटिंग को छोड़ के जितना भी काम था जरूरी जरूरी सब काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप लोगों को दिखाते हैं कि अपना बॉक्स बनने के बाद कैसा लग रहा है फाइनल। तो ये रहा अपना बॉक्स, ठीक है, इसी में पूरा सामान रहेगा, और काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, पूरा बहुत जगह से लगाया गया है सपोर्ट ताकि हिले ना। और इसमें क्या है कि लगने के बाद बहुत आसान हो जाएगा खाना पीना बनाने के लिए हम लोगों को। तो इसमें पेंटिंग भी कराना है कल, अच्छा अच्छा डिजाइन इसमें बनवाएंगे ताकि देखने में और भी खूबसूरत लगे। तो इधर हमारा टोटो वाला भैया भी आ चुके हैं, कैसे भाई, कहाँ गए? तार बंगला में रहते हैं। अच्छा सुबह भी आप ही लेके आए थे ना? हाँ। चलिए हम लोग अभी निकलेंगे भैया के टोटो से होटल, इसका नाम है मोहल्ला। मॉर्निंग आप सबको, सुबह हो चुका है। तो कल रात को आप लोगों ने देखा मेरे गाड़ी का जो बक्सा वो कम्प्लीट हो चुका है, और थोड़ा सा ना बारिश होने के कारण मेरा गाड़ी का जो काम है वो थोड़ा धीरे हो रहा था, बट अब आज बहुत अच्छा खासा धूप निकला हुआ है, तो आज पूरा पेंट का काम करवा लेंगे। मतलब चेचिस का ही पेंट हो जाएगा, अंदर फर्श का ही पेंट हो जाएगा, और जो साइड का जो डिज़ाइन का पेंटिंग का काम है वो भी आज कंप्लीट करवा लेंगे। मतलब पेंटिंग का काम हम सोच रहे हैं पूरा एक दिन के अंदर कंप्लीट करवा लेंगे, क्योंकि 2 पेंटर हम लगवाने वाले अपनी गाड़ी में। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।